एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। नमस्कार, मैं रसिक गुप्ता सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। और मित्रों, चार पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं उन देशद्रोहियों के लिए जो हमारे देश में रहते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं लेकिन गेस्ट विदेशी खाते हैं, उनके लिए चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि फैल रहा अलगाववाद सारे देश में जो फैल रहा अलगाववाद सारे देश में जो अब हर हाल में ये बंद होना चाहिए। होना है जो बार बार होले भले एक बार, रोज रोज यह नहीं द्वंद होना चाहिए। भारत में रहना तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, सिर्फ राष्ट्रवाद ही बुलंद होना चाहिए। और राष्ट्र के विरुद्ध चले छात्रिया की नेता हो, सरेआम फांसी का प्रबंध होना चाहिए। और लीजिए हम प्रारंभ करते हैं पहले कवि जो गाजियाबाद से हमारे बीच आए हैं, नीरज कुमार जी लोक कवि हैं। उनके नाम को सुन के ऐसा लगता है जैसे हम सब परलोक कवि हैं। तो सुनते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच लोक कवि नीरज कुमार जी। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं एक मुक्तक के जरिए कि जब शब्दों पे मेरा कोई अधिकार नहीं, अनुभूति की गहराइयों का ज्वार नहीं, न जाने कहां से आ जाती हैं गजल और कविताएं, मैं तो आम आदमी हूं कोई कलमकार नहीं। मैं तो आम आदमी। इसके बाद जो अगला मुक्तक है वो कविता कैसी होनी चाहिए कि सत्य भाव से उमड़ा कुछ सुंदर बना हो, सत्य भाव से उमड़ा कुछ सुंदर बना हो, अनुभूतियों का ज्वार कुछ इतना घना हो, अकथ को भी कह सके नए ढंग से हम, गीत कविता भाव भाषा छंद अपनी साधना हो। गीत कविता छंद अपनी साधना। इसके बाद का जो मुक्तक है वो है कि कविता कैसे बनती है, कि जब तलक डोर अपनी न उनसे जुड़े, जब तलक डोर अपनी न उनसे जुड़े, जिंदगी में मजा कुछ भी आता नहीं, ये गजल गीत नगमे तो उनकी सौगात हैं, बिन कहे कुछ रहा भी तो जाता नहीं, बिन कहे कुछ रहा भी तो जाता नहीं। अगला मुक्तक है कि जब कवि लिख नहीं पाता है, ये पीड़ा है वो देखिए किस तरह से इस मुक्तक में व्यक्त हुआ है। स्वागत है। कि उलझने हैं जिंदगी की जो कभी सुलझी नहीं, उलझने हैं जिंदगी की जो कभी सुलझी नहीं, खो गई है चेतना अब प्रीत में पलती नहीं, और निःशब्द होकर कब तलक ढोता रहूंगा सांस को, वेदना आंसू बनी क्यों गीत में ढलती नहीं, वेदना गीत में ढलती नहीं। अगला मुक्तक है कि वेदना का स्वर बन गया है गान मेरा, वेदना का स्वर बन गया है गान मेरा, अतीत ने जब आंसुओं से किया सम्मान मेरा, और स्नेह आंचल ने बचाया द्वेष के जब धूप से, हाँ तभी से टूट कर बिखरा पड़ा अभिमान मेरा, हाँ तभी से टूट कर बिखरा पड़ा अभिमान मेरा। इसके बाद का मुक्तक है कि पड़े हैं रेत पे हम मिटती हुई निशानी की तरह, पड़े हैं रेत पे हम मिटती हुई निशानी की तरह, उसने छोड़ा है मुझे अधूरी कहानी की तरह, पड़े हैं रेत पे हम मिटती हुई निशानी की तरह, उसने छोड़ा है मुझे अधूरी कहानी की तरह, और जुबां पे प्यार का नाम आए भी तो आए कैसे, मेरी आंखों से छलका है जो पानी की तरह। बहुत बढ़िया। इसके बाद का जो मुक्तक है वो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी सबसे अच्छी पंक्ति है, मेरे न होने के बाद भी अगर लोग मुझे चाहेंगे तो इन चार पंक्तियों के साथ, कि वो जो बरसे नहीं पर बादल रहे हैं उम्र भर, वो जो बरसे नहीं पर बादल रहे हैं उम्र भर, हम उन्हीं के प्यार में पागल रहे हैं उम्र भर, वो जो बरसे नहीं पर बादल रहे हैं उम्र भर, हम उन्हीं के प्यार में पागल रहे हैं उम्र भर, और उम्र भर भटका किए जो घुंघरुओं की खोज में, हाँ उन्हीं के पांव में पायल रहे हैं, पायल रहे हैं उम्र भर, भटका किए जो घुंघरुओं की खोज में, हाँ उन्हीं के पांव में पायल रहे हैं उम्र भर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक गजल है, स्वागत है, वो पेश करना चाहूंगा। स्वागत, स्वागत, कि गम में खुशी की आस हम बुनते चले गए, फिर जिंदगी न जिंदगी कहते चले गए। क्या बात है, गम में खुशी की आस हम बुनते चले गए, फिर जिंदगी न जिंदगी कहते चले गए,
और लगी थी भूख बड़ी तेज पर रोटी नहीं मिली। लगी थी भूख बड़ी तेज पर रोटी नहीं मिली, पानी ही पी के राह पे चलते चले। लगी थी भूख बड़ी तेज पर रोटी नहीं मिली, पानी ही पी के राह पे चलते चले गए। गम में खुशी की आस हम बुनते चले गए, फिर जिंदगी न जिंदगी कहते चले गए। और जिस्म थक गया था पर उम्मीद थी बुलंद, जिस्म थक गया था पर उम्मीद थी बुलंद, पर्वत भी अपनी राह के ढहते चले गए। जिस्म थक गया था पर उम्मीद थी बुलंद, पर्वत भी अपनी राह के ढहते चले गए। गम में खुशी की आस हम बुनते चले गए। अगली पंक्ति है कि आपकी नजर का है असर तो कुछ जरूर, आपकी नजर का है असर तो कुछ जरूर, कहनी नहीं थी बात जो कहते चले। आपकी नजर का है असर तो कुछ जरूर, कहनी नहीं थी बात जो कहते चले गए। और उनको भी मिल जाएगा एक मकाम तो नीरज, उनको भी मिल जाएगा एक मकाम तो नीरज, हिम्मत जो तेरी देख कर बढ़ते चले गए। हिम्मत जो तेरी देख कर बढ़ते चले गए। गम में खुशी की आस हम बुनते चले गए, थी जिंदगी न जिंदगी कहते चले गए। और आखिरी मुक्तक, चूंकि अखबार में काम करते हुए और भी जगह पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, और इस पे है, ये चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता खत्म करूंगा। खबर में रात बीती है, खबर में ही सवेरा है। खबर में रात बीती है, खबर में ही सवेरा है। जले हर द्वार पे हैं दीप, मेरे घर अंधेरा है। और दिवाली क्या मनेगी हम जैसे कामगारों की, है ये बेबसी कैसी, कहाँ है हम कहाँ परिवार मेरा है। बधाई नीरज जी, आपने कामगारों की बात की, मुझे चार पंक्तियां आती हैं याद, कि बुला ले किसी मजदूर को मकान के मुहूर्त पर खाने में, बुला ले किसी मजदूर को मकान के मुहूर्त पर खाने में, इतना बड़ा दिल इतना बड़ा जिगर कहाँ है इस जमाने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक छोटे से छप्पर के लिए तरसता रहा वो उम्र भर, उम्र भर। और एक छोटे से छप्पर के लिए तरसता रहा वो उम्र भर, जिसका खून पसीना बहा न जाने कितने घर बना ले। लीजिए क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुमार अनुज जी बैठे हैं, और मित्रों अक्सर इनका अपनी पत्नी से झगड़ा रहता है। जब भी झगड़ा होता है पत्नी कहती जीएसटी और झगड़ा खत्म हो जाता है। जब भी झगड़ा होता पत्नी कहती जीएसटी, झगड़ा खत्म। एक दिन कुमार जी ने पूछ लिया कि जीएसटी का मतलब क्या है, इनकी पत्नी बोली गलती सारी तुम्हारी। तो हास्य इनके घर में बिखरा पड़ा है, छोटी छोटी चीजों से हास्य निकालते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें कुमार अनुज। आजकल महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही, आजकल महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, ये कहना चाहिए कि महिला सफलता की चोटी छू रही हैं। लेकिन महिलाओं को इस तरह आगे बढ़ना कुछ लोगों को बहुत खल रहा है लगता है, तभी आजकल चोटी काटने का चलन चल रहा है। छोटी छोटी बातों से हाथ से निकलने की निकल आता है। एक दिन मैंने सोचा मैं अपनी पत्नी का हाथ बटाऊं। मैंने कहा ला तेरे साथ मैं भी तेरे कार्य में हाथ बटाता हूँ। बोली ये आप रहने दीजिए, हम गृहिणी आए हम ही कर लेंगे। मैं तुम गृहिणी आओ तो हम क्या ग्रहण है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी बात पर मेरी पत्नी से हो गई लड़ाई, उसने मुझे 50 बाधा सुनाई। इसी बात को लेकर मेरी पत्नी से हो गई लड़ाई, उसने 50 बातें सुनाई। मैंने कहा तू है बड़ी हरजाई, एक वो सती सावित्री थी जो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई। पत्नी बोली जा पति धर्म की बातें मुझे मत सिखा, जा पति धर्म की बातें मुझे मत सिखा, ये प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूँ, प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूँ, पहले तू मर कर तो दिखा। उत्पन्न हो जाती है। आज की स्थिति क्या है, आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई भी काम करता है तो बिना सुविधा शुल्क के होता ही नहीं है, कहीं भी जाओ वो परेशानियां बढ़ जाती है। वहीं से एक बात छोटा सा व्यंग उठाने की कोशिश करता हूं। एक दिन मैं आधार कार्ड बनवाने गया, बाबू था बिल्कुल नया, बोला 500 का गांधी छाप लगेगा तब तेरा आधार कार्ड बनेगा, 500 का गांधी छाप लगेगा तब तेरा आधार कार्ड बनेगा। मैंने कहा गांधी जी की तस्वीर के सामने तू 500 का गांधी छाप लेता है। बाबू हंसकर बोला गांधी जी के चश्मे को तो स्वच्छ भारत वाले ले गए, अब उन्हें दिखाई ना देता है। बहुत बढ़िया। मैंने गांधी जी की तरफ देखा और उनसे सवाल किया, गांधी जी
ये तो सत्य धर्म से डिग गए और आप नोटों पर क्या जा बैठे, आपके तीनों बंदर बिक गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक छोटा सा इसी श्रृंखला में एक छोटा सा व्यंग और रखता हूं। दो नेता कल्पनाओं की उड़ान भर रहे थे। दो नेता कल्पनाओं की उड़ान भर रहे थे, रावण को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। बोले, यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारे दल का बल और बढ़ेगा। यदि रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारे दल का बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला, पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मतलब यदि रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारे दल का बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला, पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। पहले वाले ने फिर कहा, मामला तो इस पर भी दर्ज है, मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण करने का। अरे बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। क्या बात है, वाह, सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मामला तो इस पर भी दर्ज है मैया सीता के अपहरण करने का। अरे बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। दोनों की बातों को सुनकर रावण बोला, अपने 10 मुखों को खोला। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, अपने 10 मुखों को खोला। रावण ने कहा, मैं भी कभी असत्य के पथ पर चला था, मैं भी कभी असत्य के पथ पर चला था, त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध लड़ा था। क्या बात, मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था और त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। तब से आज तक लोगों की नजर में इतना खल रहा हूँ, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक चल रहा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तब से प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक जल रहा हूं। अधम सुधर जाओ, अधम सुधर जाओ, असत्य की राह बहुत छोटी है, हमेशा विजय सत्य की होती है, हमेशा सत्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा व्यंग और रखने की कोशिश करता हूं, अंतिम व्यंग है, समय की अपनी सीमा है। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े लोग कुछ बात नहीं कह पाते हैं सारों में, छोटे छोटे बच्चे उस बात को सामने साकार कर देते। वहीं से एक छोटा सा व्यंग उठाने की कोशिश की है। दो छात्र आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे। एक ने फर्नीचर तोड़ा, दूसरे ने सर फोड़ा। एक ने कागज फाड़े, दूसरे के मुंह पर मारे। मास्टर जी ने देखा तो रह गए हक्का बक्का, दोनों को अलग किया, दिया धक्का। छात्र बोले, मास्टर जी आप हमें क्यों डांट डपट धकेल रहे हैं? अरे हम लड़ थोड़े ही रहे हैं, हम तो संसद खेल रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लड़ थोड़ी रहे हैं, हम तो संसद खेल रहे हैं। शानदार कविता के लिए बधाई देता हूँ। वो एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो, मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दिया ही। क्या बात है, क्या। तो पत्नी बोली, मेरे नेता पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। हालत है आजकल, लीजिए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच श्यामा अरोड़ा जी उपस्थित है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्यामा अरोड़ा। सुदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 4 पंक्तियां परिचय की देती हूँ कि भारती माँ की हूँ मैं, सुताला डली नित चरण वंदना उनकी गाया करूं, जिनकी माटी में चंदन की खुशबू बसे, रोज माथे से उनको लगाया करूं, और नाम श्यामा दीवानी मैं हूँ श्याम की, के नाम श्यामा दीवानी मैं हूँ श्याम की, नित भजन गा के उनको रिझाया। क्या बात है, प्यार आशीष पाप
सबका सदा मैं खुशी से न फूली समाया क्या वाह बहुत बढ़िया। और आप सबके बीच में एक कविता रखने जा रही हूँ सैनिक की पत्नी की विरह व्यथा। क्या बात। नमन करती हूँ उन सैनिकों के परिवारों को, उन सैनिकों की पत्नियों को जो हंसते हंसते अपने पतियों को अपने बच्चों को संगीनों के साय में देश की रक्षा करने के लिए भेज देते। तो उनकी विरह की व्यथा में अपनी सखी से कहती है सैनिक की पत्नी कि सुन आली सावन की बूंदें, सुन आली सावन की बूंदें पल पल मुझे डराती हैं, घायल जियरा हुक उठे जब याद पिया की आती है, घायल जियरा हुक उठे जब याद पिया की आती है, चले गए सीमा पर लड़ने, चले गए सीमा पर लड़ने, मुझे अकेला छोड़ गए, बीता बरस ना आए मिलने, आशा मेरी तोड़ गया। होली के रंग उन बिन फीके, होली के रंग उन बिन फीके, सूनी रात दिवाली की और मेहंदी का भी रंग चढ़ाना, गई तीज हरियाली। काजल बिंदिया कंगन झुमके नित 16 सिंगार करूं कि काजल बिंदिया कंगन झुमके नित 16 सिंगार करूं और दरवाजे पर बैठ दिवस निसी ठंडी ठंडी आह, ठंडी ठंडी आह। ग्रीष्म शरद हेमंत शिशिर, ग्रीष्म शरद हेमंत शिशिर, ऋतुएं अब मुझको भाए ना, मौसम आए चले गए पर साजन मेरे आए ना, मौसम आए चले गए पर साजन मेरे आए ना, अब तो आंखों के आंसू भी डुलक डुलक कर सूख गए, ऐसा क्या अपराध हुआ जो भाग्य हमारे फूट गए, ऐसा क्या अपराध हुआ जो भाग्य हमारे फूट गए, और रोम रोम मेरा पिया पुकारे, रोम रोम विरह की आप वो देखिए उत्कर्ष देखिए उसका कि रोम रोम मेरा पिया पुकारे, पल पल उसको याद करे, एक बार पिया मिलन करा दो, रब से ये फरियाद करे। और आगे देखिए कि सखी से कहती है कि मेरे पति तो नहीं आए पर उन्होंने चिट्ठी जरूर भेजी है, जितना दर्द इधर है वेदना का उतना ही दर्द उधर भी है, दिल तो उनके पास भी है, परिवार उनके भी है, पत्नी उनकी भी है, धड़कता है दिल उनका भी। तो देखिए पाती में किस तरह से वो सैनिक अपनी विरह की व्यथा कहता है कि प्रियतम तो आए ना आली पाती उनकी आई है, प्रियतम तो आए ना आली पाती उनकी आई है, और पाती में प्रियतम ने अपने दिल की व्यथा सुनाई है, पाती में प्रियतम ने अपने दिल की व्यथा सुनाई है कि सजनी तुझ बिन पल पल यूं, सजनी तुझ बिन पल पल यूं बरसों के मुझे समान लगे, और तुझसे मिलने की चाहत में नैन मेरे दिन रात जगे, तेरे कुसुमित अलकों की, तेरे कुसुमित अलकों की याद मुझे तड़पाती है, छूना उन सुर्ख कपोलों को सिहरन मन में उठ जाती है, छूना उन सुर्ख कपोलों को सिहरन मन में उठ जाती है, तेरे होठों की लाली बिंदिया कुमकुम को याद करूं कि तेरे होठों की लाली बिंदिया कुमकुम को याद करूं, कंगन खनके पायल छनके यादों से दिल आबाद करूं। क्या बात। और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं जल्दी मिलने आऊंगा, मैं जल्दी मिलने आऊंगा, तुम जरा निराश नहीं होना, तुम ही तो मेरी शक्ति हो, तुम ही तो मेरी शक्ति हो, प्रिय धैर्य नहीं अब तुम खोना, मेरे भारत की सीमा पर, मेरे भारत की सीमा पर फिर दुश्मन हमला बोल रहा, नफरत का जहर निजाओं में पापी है बिरसे घोल रहा, अरे उससे दो दो हाथ करूं मैं, उसे सबक सिखलाऊं तो मैं भारत का वीर लाल औकात उसे बतलाऊं तो, मेरी मेरे भारत की सीमा पर दुश्मन हमला बोल रहा, जहर पिज़ा में फिर से पापी नफरत का है घोल रहा, और उससे दो दो हाथ करूं मैं, उसे सबक सिखलाऊं तो
मैं भारत का वीर लाडला औकात उसे दिखलाऊं तो, और जब दुश्मन का सिर काट मुझे अब माँ के चरण चढ़ाना है, और लिए तिरंगा हाथों में अब वंदे मातरम गाना। और इन पंक्तियों पे ध्यान चाहूंगी कि भारत की पावन भूमि पर जब चारों ओर अमन होगा, उस दिव्य समय में प्रिय तुम्हारा मेरा मधुर मिलन होगा। और एक आकांक्षा, एक जो उसे पता है कि उसको पता नहीं है कि वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो अंतिम दो पंक्तियां देखिए कि यदि मैं शहीद हो जाऊं तो दुख तुमको नहीं मनाना है, मुझे विदा शान से करना वंदे मातरम कहते जाना है, जय हिंद जय भारत। बहुत बधाई देता हूँ श्यामा जी शानदार कविता के लिए, और चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि हुआ पैदा नहीं कोई हमें ललकार कर जाए, बड़ी नापाक कोशिश को कभी साकार कर जाए, हमारे वीर सैनिक तो खड़े रहते सदा चौकस, किसी की है कहां हिम्मत जो हम पे वार कर जाए। और लीजिए सतमोला कवियों की इस चौपाल के समापन के लिए मैं देश के बड़े हास्य कवि सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी हमारे बीच विराजमान हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच वे आएं और अपना गाना पाएं। सुदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम, और अभी आप बहुत सारे रंगों में कविताएं सुन रहे थे। ये हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं, और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर तो रंग में भंग मिलाने। ये जिंदगी है, अभी नोटबंदी हुई थी और देश के लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि नोटबंदी, पुराने नोट बंद हुए नए आ गए। उन दिनों कुछ ऐसा हुआ था, हम कैशलेस हो गए थे, कैश था ही नहीं तो कैशलेस हो गए। अब क्या करते थे देखिए, बड़े 50 दिन बड़े चैन के कटे थे, और कैसे कटे थे कि शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, और देख सुरताल तराने ही बदल देते थे, और मस्त रहते थे उधारी का माल खाते थे, उधार माने कैशलेस, मस्त रहते थे उधारी का माल खाते थे, मस्त रहते थे उधारी का माल खाते थे, और कर्ज बढ़ते ही ठिकाने बदल देते थे। और देखिए कैसे कटे थे मुझे कि अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे, अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे, और साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे, साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे, और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए, रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। बहुत बढ़िया,
ऐसे कटे थे, बड़े आनंद के साथ कटे थे साहब, लोग बड़े भ्रष्ट हो गए साहब, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। लोग जब ज्यादा भ्रष्ट है तो हम उनसे भी चार गुने भ्रष्ट है साहब। कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बहुत बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, और हम तो उनसे भी सनम चार कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल भाई, हमारे ससुराल वाले किराए पे रहते हैं। क्या बात है, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। चलिए साहब, और हमारे प्रवीण आर्या जी की एक विशेष इच्छा है, गीत तो पुराना है लेकिन नए उसको कैलेवर में डालते हैं। जी स्वागत स्वागत। आजकल हमारी पूरी धरती जो है वो प्रॉपर्टी डीलरों ने काट काट कर कॉलोनिया बना बना करके, जिसमें हमारे एक प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। रसिक गुप्ता जी हमारे बीच में, इन्होंने सारी धरती काट काट के बना बना के पृथ्वी को बेच दिया। अब मुझे टेंशन होती है कि अनाज कहाँ पैदा होगा, अनाज क्या चंद्रमा पे होगा, लेकिन वहां भी जाने को तैयार है, चंद्रमा पे भी इनके बोर्ड लग चुके हैं कि रसिक गुप्ता प्रॉपर्टी डीलर। अब देखिए उसकी छोटी सी चिंता, जहां धरती पर माताएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, आज वो लोरियां कैसे सुनाई जा रही है। लोरी थी कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, चंदा मामा दूर के। ये वाली लोरी आज कैसे गाई जा रही है, चंद्रमा को लोग अपनी अपनी नजर से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। देखिए ना, स्वागत स्वागत स्वागत। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, फिर हम सब मिल करके बांटें, फिर हम सब मिल करके बांटें लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा फ्लैट हमें भी किस्तों पे मिल जाए, और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के, दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, और पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ, यहाँ चंद्रमा बड़ी देर से निकलता है, वहां तो निकला निकला ही मिलेगा, और अरग लगाओ और आराम करो। कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राण नाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं, और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के,
रही है बहु, सोच रही है बहु, मून लाइट में खाना खाना, चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना। अरे बहुत खा चुकी सिके पराठे, बहुत खा चुकी सिके पराठे, धरती पर तंदूर मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, और कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए, और वहां इलेक्शन हो हम बांटे, वहां इलेक्शन हो हम बांटे, पौवे रस अंगूर। मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और अंतिम जी स्वागत। एक तरह के लोग जिनकी दाढ़ी मूछ विवादित है, इतनी इतनी है, या तो पूरी हो या ना हो वो तो ले सकते हैं, विवादित है, जिनकी विवादित है। विवादित इसलिए है कि साली तो कहती है कि इसको पूरी रख लो जीजा जी, और पत्नी कहती है इसे कटवाओ। तो दोनों में संतुलन बनाने के लिए इतनी इतनी रख लेते हैं। बीच का रास्ता वो ना जाए, क्योंकि वहां के कंप्यूटर में ये दाढ़ी मूछ फीड नहीं है। और फीड नहीं है इसलिए पकड़े जा सकते कि अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहां पर लेंगे, वहां एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे। अरे हो सकता है इन्हें समझ लें, हो सकता है इन्हें समझ लें, ये वंशज लंगूर। प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सुनहरी लाल जी, जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, प्रॉपर्टी डीलरों की लाचारी है, चांद पर हाउसफुल हो गया, अब तो मंगल की बारी है। और लीजिए, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े, भारत माँ का रंग। और इसी के साथ मैं रसिक गुप्ता सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और विदा लेता हूं, ये कहते हुए कि बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ, नई रचनाओं के साथ, इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। आए ऋतु राज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती, हंसा के जरूरत जीवन को, चेतन चाटा बदल गया। क्या बात है दादा,